हम यहाँ पे आ गए हैं अम्बा जी के मंदिर में, और यहाँ से हम जाने वाले हैं स्टेपवेल। अभी हम जा रहे हैं यहाँ इस टेंपल के ठीक पीछे से रास्ता है स्टेपल की तरफ जाने का, और अभी हम उधर ही जा रहे हैं। सो गाइस, आज हम आ गए हैं यहाँ, एक स्टेपल है, ये गुजरात के अंदर है अहमदाबाद में, और इनका नाम आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ छोटे से इस पर लिखा हुआ है रूढ़ीवाई की बावड़ी अडालज। और यहाँ पे आप देखने वाले हैं, ये बहुत ही पुराना एक स्टेपवेल है, जहाँ पुराने ज़माने में एक रानियाँ जो होती थी वो वहाँ बात लेती थी। आप टिकट ले सकते हैं एंट्री के लिए। काका से पूछते हैं कि ये कब बना और कैसे क्या हुआ। 1555 में बना। अच्छा, इसका काम स्टार्ट हुआ 1555। हाँ, 1555। ओके, सन 1555। हाँ, सन 1555। हाँ, अपने अंग्रेजी में नहीं। अच्छा, तो फिर कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके? फिर सन 1555 है, अभी 21 चल रही है, 600 साल हुआ। 600 साल हुआ। हाँ। और ये कैसे यूज होता था पहले, मतलब क्या सब? ये पानी के लिए बना है, जो पब्लिक, जो छोटे छोटे गांव थे आसपास में, और जो व्यापारी लोग बैलगाड़ी से व्यापार धंधा करते थे पहले। हाँ। तो उसी टाइम पे रुकने का स्थान नहीं था, ये नगर के जो वीरसिंह वाघेला का नगर था, तो व्यापारी लोग आते थे तो रुकने का स्थान नहीं था, पानी पीने का स्थान नहीं था। तो रूढ़ाबाई ने कहा कि वाह, आप ऐसा बनाइए धाम तो पानी भी पी सके और आराम भी कर सके। अच्छा, तो पब्लिक जो पानी पी के ऊपर जो कोठाए ने उधर आराम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब जो बना हुआ है ना ऊपर से, वो ऊपर से जो चलते हैं वो आराम करने की जगह बनाई है। अच्छा, वीरसिंह वाघेला ने बनाया है। वीरसिंह वाघेला? हाँ, वीरसिंह वाघेला। रूढ़ाबाई ने, रूढ़ाबाई इसकी पत्नी थी। रूढ़ाबाई? हाँ, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा। उनको कहने से बनाया। अच्छा, उनको कहने से बनाया, तो वीरसिंह वाघेला ने भेंट देने के लिए ठाम दिया दिमाग में। अच्छा, कि मेरी पत्नी को मैं भेंट दूँ। इसका एक्सेस ऊपर से भी है, और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ एक कुआं है। प्यारी कलाकृति है ये। यहाँ गुजरात में इसको जामफर बोलते हैं, गुआभा,
इसको ये लोग यहाँ पे जाम कर बोलते हैं। इसकी चटनी अच्छी बनती है।